नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। फतुहा में पिज्जा खाने वालों के लिए एक हिडन जेम का पता चला है, जहां लोगों की भीड़ पिज्जा, आइसक्रीम, मॉकटेल के लिए जमा रहती है पिज्जा खाने के लिए। यह पिज्जेरियन टाउन फतुहा के नोहटा पुल के पास है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। पिजेरिया टाउन के जो ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए, क्या क्या यहाँ पर आप व्यवस्था दे रहे हैं? नमस्ते अमरिन जी। हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आए और हमारे यहाँ पर आ रहे और सबको बताएंगे कि यहाँ पे क्या नया है, क्या नया दे रहे हैं। तो जैसे अच्छा, ये शॉप कब खुला था? ये 14 जनवरी मकर संक्रांति 2024 को इस शॉप का उद्घाटन हुआ था जी। और ये हमारी वाइफ हुई, हाय के जा, वहाँ पे लाइव हम लोग कोन बना रहे हैं। अच्छा, बाहर आप लोग देखते होंगे पहले आइसक्रीम जो है कोन पहले से बना हुआ रहता होगा। जे, जे। आप लोगों को सुगंध भी आ रहा होगा। हाँ, आ रहा, काफी सुगंधित है। हाँ, सुगंधित। तो लाइव कोन बनाते हैं फ्रेश, और यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स है आइसक्रीम्स के, आप चेक कीजिए, लगता है 12-14 फ्लेवर्स है, सभी हम लोग लाइव बनाते हैं। सारा लाइव बनाते हैं, लाइव आइसक्रीम कोन हम लोग देते हैं। फिर हमारे यहाँ शेक्स भी सभी बनाते हैं, सभी में अमूल दूध और आइसक्रीम्स का यूज़ करते हैं, कोई फ्रेपे पाउडर नहीं यूज़ करते हैं। जी जी। कोई पानी का भी यूज़ नहीं होता, ना ही बर्फ का यूज़ होता, केवल दूध और आइसक्रीम। जी जी। फिर हम लोग मोहितों की तरफ भी आते हैं, मॉकटेल्स जो बोलते हैं हम लोग, मॉकटेल्स के लिए भी मॉर्निंग्स के ओरिजिनल यूज करते हैं। अगर आप लोग किसी भी 5-स्टार होटल कहीं भी जाते होंगे, गार्गी ग्रैंड या पनाश, तो वहाँ मॉर्निंग्स के यूज करते हैं, अधिकतर लोग यूज नहीं करते, काफी प्रीमियम ब्रांड होता है, हम लोग इसी के यूज करते हैं। कहने का मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं? जी, क्वालिटी से यहाँ पे कोई समझौता नहीं है। हमारे यहाँ लोग खा भी रहे होंगे, आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं। आइए यहाँ पे पीछे में, कैसा लगा आपको यहाँ का पिज्जा? बहुत अच्छा, सॉफ्ट है। हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाने आए हैं। पिज्जा अच्छा लगा यहाँ पे, सॉफ्ट है। और प्राइस वगैरह कैसा है? प्राइस में भी ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंडशिप डे के दिन लोग एंजॉय कर रहे हैं पिज्जा। तो सर से फिर बात करते हैं आगे। जी, तो सर हमारे यहाँ आइसक्रीम हुआ, मॉकटेल हुआ, और शेक्स के बारे में तो बताएं कि हम लोग काफी अमूल का दूध और आइसक्रीम्स के साथ ही बनाते हैं फ्रेश। आपने बताया कि कोन भी यहाँ पर खुद बनाते हैं। आइए ना, आइए आप देख लीजिए, ये हमारी ओनर ही है। हमारी यहाँ पर लाइव कोन बनाया जा रहा है। कोन एक रेडीमेड भी होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको लाइव कोन बनाकर ही आइसक्रीम दिया जाएगा। तो ये बहुत खास अच्छी बात हुई है यहाँ पर कि रेडीमेड यूज नहीं किया जा रहा है, आप आँख के सामने बनवाइए और जो भी वैरायटीज का आइसक्रीम चाहिए वो आप दे सकते हैं। और सर और बताया जाए आप। दूसरी बात, हमारा स्पेशलिटीज जो है स्पेशलिटीज है यहाँ का पिज्जा। पिज्जा इसके पहले, अब पिज्जेरिया टर्म क्यों आया फतुहा में? हाँ, ये बात बताना, ये बात है। तो हमारी शादी हुई थी 2022 में, तो होता है वीकेंड्स में काफ़ी यूथ है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पटना जाना पड़ता है। उन लोग रात, जैसे मेरी बिजनेस खत्म हुई 8-9 बजे, हम लोग पटना जाना पड़ता था, काफ़ी टीडियस हो जाता है पटना जाना हो आना। तो उसी में हम लोग सोचे कि क्यों नहीं कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए कि लोग को यहाँ पे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लोग यहाँ आके खाएँ। तो मैम हम लोग के साथ ही हम लोग पटना घूम रहे थे, मरीन ड्राइव वगैरह, लेकिन क्यों नहीं पटना फतुहा में एक अच्छा क्वालिटी चीज़ हम लोग दें। तो फिर वही उसकी शुरुआत हुई है और यहाँ पे हुआ। अब बात आते हैं पिज्जेरिया टाउन। तो पिज्ज़ा के शॉप यहाँ पहले भी खुले थे जी जी, बट काफ़ी यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं आया। तो मैंने पता किया क्यों, ऐसा क्या था, तो पता चला कि वहाँ लोग
बेस जो है फ्रेश हम लोग बना के नहीं देते थे। अच्छा, अगर मैं आपका यहाँ पे ऑर्डर लूँ उसमें जो रोटी रहता है वो बना बना है पटना से मंगाया जाता है, जो कि पता नहीं कितने दिनों का बना होता है। जी मेन बात है यहाँ पे है कि आप ऑर्डर देंगे तो यहाँ पे बेलना उस समय शुरू होता है। जी और बेलना शुरू होता है 15 मिनट के अंदर। अगर आप डाइनिंग कर रहे हैं तो आपको डाइनिंग में यहाँ पे पिज्जा आपके सामने मौजूद रहता है फ्रेश। जी और अगर आप कॉल करके ऑर्डर देते हैं 30 मिनट्स के अंदर, अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो आपके घर पे डिलीवरी हम लोग कराते हैं फ्रेश गर्मा गर्म पिज्जा। और सबसे बड़ी बात है अभी कि बुधवार को जी मीडियम और लार्ज पिज्जा जो वेज फिएस्टा और वेज स्पेशल के सेक्शन के अंदर आता है बाई वन गेट वन फ्री हम लोग देते हैं, एक के साथ एक फ्री। अधिकतर लोग इसका बहुत लुक उठाते हैं, मतलब इसका काफी क्रेज है, इस ऑफर का बहुत क्रेज है। 4-5 लोग 6 लोग आ जाते हैं, अब 400 से लेकर 600 मतलब पर है 100-125 के अंदर लोग पेट भर मजे से पिज्जा खा के। इसलिए हम वेडनेसडे को नहीं आए हैं, आज संडे को आए हैं, लेकिन फिर भी आज फ्रेंडशिप डे है और इसमें ये तो सुबह से चल रहा है कि काफी लोग झुंड में आ रहे हैं और हमारे साथ लोग अवसर दे रहे हैं कि हाँ यहाँ के लोग खाए। और तो पिज्जा में कोई वैरायटीज है या एक ही तरह का पिज्जा है? नहीं सर, यहाँ पे पूर्णतः वैरायटीज है, पूरे वैरायटी जो आप देखिए पिज्जा यहाँ पर गर्मा गर्म आ चुका है। चीज एंड कॉर्न बिल नंबर चीज और एंड कॉर्न मीडियम 51 सोनाली। हाँ सर, तो बता रहे थे पिज्जा में बहुत वैरायटीज है। हाँ बहुत वैरायटीज है। अब जैसे कुछ लोग हैं जिनको, जैसे बच्चे हैं उनको ज्यादा सब्जियां नहीं पसंद होती है, तो सिंपली खाते हैं कुछ चीज पिज्जा या कॉर्न पिज्जा या अनियन पिज्जा, तो वो हमारे यहाँ केवल 119 रुपए से शुरू है। जी फिर उसके बाद है कि लोग को पनीर वगैरह चाहिए तो के साथ खाना चाहते हैं तो वेज फिएस्टा है। अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं जैसे थिन क्रस्ट चाहिए, चीज बर्स चाहिए, तो वो सब या एक्स्ट्रा चीज सब, तो वो सभी है। फिर हमारे यहाँ पास्ता का भी वैरायटीज है, बर्गर्स के भी वैरायटी है, काफ़ी अच्छे बर्गर्स है और कॉम्बोज भी है। जैसे कॉम्बो 2 399 में 2 पनीर पिज्ज़ा डिलाइट पिज्ज़ा, 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक। वाह। सेट ऑफ 4 और सेट ऑफ 6 अधिकतर दोस्त आते हैं 4 या 6 के साथ, जो उसमें महंगा पड़ जाता है। आप आइए 450 में 4 पिज्ज़ा, 679 में सेट ऑफ 6 6 पिज्ज़ा पनीर पिज्ज़ा ले सकते हैं अलग अलग वैरायटीज के बाद। तो सभी के लिए जैसे जैसे लोग यहाँ डिमांड करते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे, लोग बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करने आते हैं यहाँ पे, फैमिली हो फ्रेंड्स हो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है आपको, बस पहले से बोल देना है कि हाँ भैया बुकिंग रखिएगा, हम लोग आएंगे सेलिब्रेट करेंगे और चल जाएंगे। तो काफ़ी कूल पैलेस है, आप देख सकते हैं, आराम से आइए खाइए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एकदम पार्किंग वगैरह की भी सुविधा, पार्किंग की सुविधा पूरे है। और सबसे बड़ी बात है कि आइसक्रीम खाइए, एक से सब डेजर्ट्स के सभी सेक्शन है सारे, जो एक आइसक्रीम पार्लर में होना चाहिए। तो कहने का मतलब है मैम आपकी जिंदगी में आई तो आपका जिंदगी बदल चुका है। आप कह सकते हैं, इन्होंने चेंज किया, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैम खुद एक गवर्नमेंट जॉब में है जी, बट वो चाहते थे कि यहाँ आगे कुछ नया करे, कुछ नया दे पब्लिक को। वहाँ भी ये काफी रोजगार जीविका से जुड़ी हुई है तो रोजगार देने में काफी प्रोत्साहन करती थी, क्यों नहीं हम यहाँ पे कुछ लोगों को नया दे। तो वही है। हाँ मैम, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आप बताएं कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है फतवा में, ये पहली बार है तो आपका कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए? पहले तो सभी को नमस्ते, और मेरा नाम ज्योत्सना कुमारी गुप्ता है। और यहाँ पे जब मेरा शादी होके जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था, रेस्टोरेंट लेकिन इस टाइप का फैमिलियर नहीं था कि लोग यहाँ अपने फैमिली के साथ अपने सिस्टर के साथ यहाँ पे आएँ और आके अपना इंजॉय करें। तो हम लोग बस मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे घूमने के लिए जी। तो वहाँ पे मुझे ऐसा ख्याल आया कि शायद मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कपल होंगे, ऐसे बहुत सारे फैमिली होंगे जो उनको चाहिए होगा एक ऐसा इन्वॉर्मेंट। तो हम लोग डिसाइड किए कि ऐसे भी हम तो रोज़गार देते ही हैं क्योंकि हम ऑलरेडी हम पहले जॉब में थे जी। तो उनको लोगों को तो रोज़गार देते ही हैं, लेकिन क्यों नहीं लोकल लेवल पे हम अपने अपने एरिया में अपने क्षेत्र में आके लोगों के लिए कुछ करें।
तो मुझे वहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि कुछ करना है, और उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हाँ यहाँ पे हम लोग खोल सकते हैं। और जब हम लोग खोले थे यहाँ पे, लोगों का सबसे बड़ी है कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो इसमें और कुछ ऐड बाद में भविष्य में करना चाहेंगे? हाँ, अभी हमारा 1 अगस्त को हमारे यहाँ मतलब एड ऑन हुआ है, जैसे कि गेस टैग को देख सकते हैं। और अगर आप 10 से 4 के बीच में आप आएंगे, तो अगर कोई भी मीडियम या लार्ज पिज्जा आप लेते हैं, तो उस पर आपको शेक भी मिलेगा, वेलकम ड्रिंक शेक वगैरह। आप तब तक वेलकम ड्रिंक पिए, तब तक आपका बन रहा है। जी जी जी, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तब तक आप, तो ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप लाए हैं, ताकि आप जो कस्टमर आए हैं वो भी नहीं। हाँ, जी, क्योंकि जी, हमारे यहाँ पिज्जा बनने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। किसी टाइप से वो यहाँ पर ठहरे, इंटरटेनमेंट हो, वो बोर नहीं हो। जी जी जी, यहाँ ब्लूटूथ की सुविधा, लोग आते हैं अपने पसंद के म्यूजिक बजाते हैं। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन का सब सुविधा देने की कोशिश हो रही है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी टैको लॉन्च हुआ है, और अभी हम लोग धीरे धीरे और भी इसमें शेक मॉकटेल भी इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। जी जी, और देख सकते हैं अभी लाइव कोन भी बन रहा है यहाँ पे, लाइव कोन बना के हम लोग देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप ताजा जो है फ्रेश बना के दे रहे हैं, बना के यहाँ पे मिलता है। जिनका भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, हमारी तरफ से एक आइसक्रीम फ्री रहता है, बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। अभी तो फिर उसके बाद हम लोग का आगे का प्लान है, लोग का रिस्पांस अच्छा है, तो आगे प्लान है इसको थोड़ा एरिया को थोड़ा सा बड़ा करने का। हमारा एरिया थोड़ा काफी छोटा पड़ा। हाँ, तो ये समझिए आपने प्रयोग किया इसका। हाँ, मैंने इसको चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन लोगों का रिस्पांस कैसा, लेकिन क्राउड के कारण आपको जो है एरिया को थोड़ा सा डिमांड है, इसी के लिए कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी फतुहा वासियों के लिए। कि लोग अपना इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखें, जरूर जरूर जुड़े रहें। बहुत बहुत लोग आएंगे, हम लोग भी उनके लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे। जी जी, थैंक यू। चांद फतुहा के लिए ये अनोखा एक यहाँ समझिए कि गैपिंग था फतुहा में, इस तरह का यहाँ भोजन उपलब्ध नहीं था। लोग पटना जाते थे या बड़े बड़े शहरों में, आज बड़े शहरों का क्वालिटी यहाँ छोटे शहर में और बहुत ही कम दाम में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हाइजेनिक है, मतलब सब कुछ ताज़ा मिल रहा है। बिल्कुल ताज़ा, ये सब चीज़ जो है ना, आपका ऑर्डर देने के 10 से 15 मिनट में ये आपको उपलब्ध होता है। और कुछ लोगों को जो घर पर भी सुविधा लेना चाहते हैं, उसका रकम शायद 300 रुपये रखा गया है, घर पर भी डिलीवरी होता है। आप घर पर ही परिवार के साथ या किसी विशेष फंक्शन पे आप यहाँ पिजेरिया टाउन से, बेहतर चीज़ एक छोटे शहर में बहुत बढ़िया चीज़ उपलब्ध हुआ है। और यहाँ रेफरल सब कस्टमर आते हैं, एक रिपीट करते हैं, इसका मतलब है कि क्वालिटी वेज है और प्योर वेज है। इसमें कोई नॉन वेज का ये आइटम नहीं है। बहुत से लोग, बल्कि अभी सावन महीने में बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो विशेष तौर पर बिना लहसुन प्याज का भी उपलब्ध होता है, तो अच्छा चीज़ है। और यहाँ स्नैक्स भी अगर अभी आइसक्रीम कोन वाला जो यहाँ कोन भी यहाँ बना के, रेडीमेड कोन नहीं आता, यहाँ खुद बनाते हैं, उसमें सर्व करते हैं लोग। और मिल्क शेक वगैरह भी अच्छा है, बर्गर सब। और भी इसमें बहुत सा रेंज, बहुत जल्दी 1-1 महीने के अंदर हाँ रेंज बढ़ेगा लोगों के डिमांड के हिसाब से। जैसे केक्स वगैरह भी, केक्स का है, आप ऑर्डर देते हैं जो घंटे, मतलब सुबह का शाम एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है। बहुत जल्दी यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप ऑर्डर देंगे विद इन 15 मिनट आपके सामने केक बना के मिल जाएगा। आधे घंटे में विशेष कोई भी तरह का आप ऑर्डर देंगे, आप गूगल पे देख पाएंगे, मतलब फ्रेश ही है आपका पहचान। बिल्कुल बिल्कुल, और भी एक बेहतर क्वालिटी होगा, जो फतुहा के लिए अभी जितने भी क्वालिटी उपलब्ध है उन सब में बेहतर होगा। तो एक अच्छा प्रयास है, मेरा लड़का जो है क्योंकि पढ़ लिख करके अपने जॉब छोड़ करके एमटेक करके बिट्स बनानी से इस काम को कर रहा है, तो बेहतर और अच्छी और सबसे बेहतर मतलब क्वालिटी बेस यहाँ को मिलने जा रहा है। आप लोग आइए
और कम से कम चखें देखें और कंप्लेन हो तो शिकायत करें ताकि वो शिकायत दूर हो। अधिकतम आपका शिकायत को ध्यान में रखा जाता है और दूर भी किया जाता है। बहुत अच्छा, देखिए गर्मा गर्म पिज्जा आ चुका है, ये भी आइटम है आपके लिए नया है, ये नया आइटम है पिज्जा का। क्या है इसका, क्या नाम है? वेज टैको। ये वेज टैको है, ये डिलीशियस पिज्जा है। और तीन तीन तरह का पिज्जा है, ये तीन तरह का पिज्जा है। देखो जो है ना ऊपर चलता है, ऊपर चलता है उसमें टॉन का स्पेशल पिज्जा आप देख सकते हैं। ये डिलीशियस पिज्जा है और ये वेज टैको है, देख सकते हैं। और काफ़ी बिग साइज का है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसका हम लोग टेस्ट करेंगे। चलो आर्यन टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ पहला बाइट लो कैसा है। ध्यान दे रहे हैं इसको सजाया जा रहा है या हल्का हल्का ये लेकिन मिर्चाया जाता मछली नहीं, ये मिक्स नहीं रहता, मछली नमक वगैरह रहता और मसाला रहता, बस हल्का हल्का। हम सही मायने में नहीं खाते सर, सही सब दरकाने के सब है। बहुत बिजोड़ है और पेट फटने वाला है। मलेरिया टाउन में खा खा के देख सकते हैं, बहुत सारा आइटम खा चुके हैं, बहुत सारा आ रहा है जा रहा है, बहुत सारा आइटम है और सब बेस्ट। आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये शेक का पहली बार ट्राई करोगे, देखो ट्राई करके कैसा लगता है। इतना अच्छा व्यवस्था की है। ये इसका नाम बताइए, कौन सा आइटम लाए? ये दो आपका बर्गर है, बर्गर है हाँ, उसके पीछे हमारा पी टाउन स्पेशल पार्सल है, ये दोनों हाँ, उसमें पनीर का स्टफिंग, वो स्टफ गार्लिक ब्रेड है जी। उधर आपका ये पी रहे हैं ओरियो शेक, ओरियो किटकैट शेक, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ये टैकोज है, वो पीछे वाला टैकोज हाँ, ये टैकोज है, ये हमने न्यूली लॉन्च किया अभी, और ये तो अभी पिज्ज़ा खाई, ये टैकोज टैकोज हाँ हाँ, ये अपना न्यूली हाँ बस दो दिन पहले ही लॉन्च किए, काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है कस्टमर से। बहुत बेजोर अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। जो नहीं आए हैं उनको एक बार आकर यहाँ चेक करना चाहिए कैसा यहाँ पर बिक रहा है, कैसा टेस्ट है, क्या कि हमको तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि हम वीडियो बनाने के चलते बोल रहे हैं, आप एक बार आकर टेस्ट कीजिए। ये आया ये नहीं गया, ये पास
देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू का कमी नहीं है। आइटम पे आइटम आ रहा है। इस मेन्यू का नाम बताइए पहले। हाँ, ये कौन सा मेन्यू? ये व्हाइट सॉस पास्ता है, वो फ्रेंच फ्राइज है, बच्चों की जान, उनको बहुत पसंद आता है। समझ सकते हैं कि मेरा पेट जो अभी आया है। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके फीडबैक लाइव बताइए कैसा लग रहा है। फॉर्क दे दीजिए ना यहाँ पे पास्ता के लिए। चम्मच ही दीजिए। देख रहे हैं पनीर भर भर कर डाला गया है, कोई कंजूसी। ये इसका नाम क्या बताए थे? ये पी टाउन स्पेशल पार्सल है हमारा। एरिया टाउन स्पेशल है यहाँ। ये भी जेरिया टाउन का स्पेशल है। देखिए है ज़्यादा। दुश्मन समझ के डाला गया है। और अच्छा क्वालिटी का पनीर है। जी।